नमस्कार दोस्तों, आरजी स्टूडियो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम राहुल है, मैं एक अध्यापक हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जो एग्ज़ाम होता है CET ET, इसके लिए विज्ञान पेपर सेकंड के लिए अति महत्वपूर्ण 20 प्रश्न बताऊंगा। ये जो प्रश्न हैं, ये CET ET, UET ET, UPET ET और अन्य स्टेट में जो TET एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और ये जो प्रश्न है, ये विज्ञान से संबंधित अन्य जो एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि रेलवे, बैंक एसेट्रा, SSC एसेट्रा, इन एग्ज़ाम्स में आने की इन प्रश्नों की बहुत अधिक संभावनाएं। तो दोस्तों, कृपया मेरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये विज्ञान पेपर सेकंड के लिए जो प्रश्न है 6 to 8 क्लास के लिए, इसका ये मेरा वीडियो का पार्ट 3rd है। इसके 2 पार्ट मैं पहले ही बना चुका हूँ विज्ञान के प्रश्नों के लिए। अगर आपने वो प्रश्न नहीं देखे हैं तो आप उन्हें मेरी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। अब मैं विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताने जा रहा हूं। जो कैंडिडेट टेट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो कृपया मेरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। प्रश्न 1, स्याही का दाग मिटाने के लिए कौन सा अम्ल प्रयोग करते हैं? स्याही का जो दाग होता है उसे मिटाने के लिए कौन सा अम्ल प्रयोग करते हैं? स्याही का दाग मिटाने के लिए कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर है ऑक्जेलिक अम्ल। प्रश्न 2, वह ताप जिस पर लौह चुंबकत्व समाप्त हो जाता है तथा पदार्थ अनुचुंबकीय हो जाता है कहलाता है। वह ताप जिस पर लौह चुंबकत्व समाप्त हो जाता है तथा पदार्थ अनुचुंबकीय हो जाता है, ऐसा कौन सा ताप होता है जिस पर लौह चुंबकत्व समाप्त हो जाता है और पदार्थ अनुचुंबकीय हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? इसका उत्तर है क्यूरी ताप। तो क्यूरी ताप वह ताप होता है जिस पर लौह चुंबकत्व समाप्त हो जाता है तथा पदार्थ अनुचुंबकीय हो जाता है। प्रश्न 3, सामान्य ताप एवं दाब पर ध्वनि की वायु में चाल 332 मीटर पर सेकंड है, अगर दाब 4 गुना हो जाए तो ध्वनि की चाल होगी। सामान्य ताप एवं दाब पर ध्वनि की वायु में चाल 332 मीटर पर सेकंड है। जो सामान्य ताप एवं दाब पर ध्वनि की चाल दे रखी है वह है 332 मीटर पर सेकंड, अगर दाब 4 गुना हो जाए, दाब को बढ़ाकर अगर 4 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी। तो इसका उत्तर है 332 मीटर पर सेकंड। तो यदि अगर दाब को बढ़ा दिया जाए तो ध्वनि की चाल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर दाब 4 गुना हो जाए तब भी ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड ही होगी। प्रश्न 4, सफ़ेद बॉक्साइट अयस्क जिसमें आयरन ऑक्साइड अशुद्धता के रूप में ना हो उसकी शोधन प्रक्रिया कहलाती है। सफ़ेद बॉक्साइट अयस्क जिसमें आयरन ऑक्साइड अशुद्धता के रूप में ना हो उसकी शोधन प्रक्रिया कहलाती है, इसका उत्तर है सरपेक प्रक्रिया। तो सरपेक प्रक्रिया वह प्रक्रिया होती है जिसमें सफ़ेद बॉक्साइट अयस्क जिसमें आयरन ऑक्साइड अशुद्धता के रूप में ना हो उसकी शोधन प्रक्रिया को सरपेक प्रक्रिया कहते हैं। प्रश्न 5, किसी कक्षा के सृजनशील छात्रों की पहचान कैसे करेंगे? जो कक्षा के सृजनशील छात्र हैं उनकी पहचान कैसे की जाती है? इसका उत्तर है उन्हें किसी वस्तु के नए उपयोग करने को कहकर। तो अगर आपकी क्लास में कोई सृजनशील छात्र है तो उससे क्या कहेंगे कि आप किसी वस्तु के नए उपयोग कीजिए। प्रश्न 6, 0.00542 का कोटिमान है? इसका उत्तर है 10^-2। 0.00542 का कोटिमान कितना होता है? 10^-2। प्रश्न 7, संवेग तथा बल में संबंध है? संवेग तथा बल में क्या संबंध होता है? F×T=mv-mu। संवेग तथा बल में क्या संबंध है? F×T=mv-mu। प्रश्न 8, किसी बिंदु पर किसी वस्तु से आने वाले उसमें विकिरण की तीव्रता वस्तु से बिंदु की, किसी बिंदु पर किसी वस्तु से आने वाले उसमें विकिरण की तीव्रता वस्तु से बिंदु की, उत्तर दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। प्रश्न 9, दो डंबल के जोड़े जब एक दूसरे से टकराते हैं तो उत्पन्न ध्वनि होती है। जब दो डंबल के जोड़े एक दूसरे से टकराते हैं तो उत्पन्न ध्वनि कैसी होती है? उत्तर गोलीय। प्रश्न 10, तालाब के किनारे खड़ा व्यक्ति तालाब की तली पर मछली को देखता है, मछली को शूट करने के लिए निशाना लगाना होगा। तालाब के किनारे कोई व्यक्ति खड़ा है, वह तालाब की तली पर मछली को देखता है, मछली को शूट करने के लिए निशाना लगाना होगा, इसका उत्तर है मछली के कुछ नीचे व्यक्ति को मछली को शूट करने के लिए निशाना लगाना होगा। प्रश्न 11, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? उत्तर है 2, 8, 13, 1।
2, 8, 13, 1 क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। प्रश्न 12, ऑक्सीजन के समस्थानिक हैं, ऑक्सीजन के समस्थानिक कितने होते हैं? उत्तर 3। प्रश्न 13, K2Cr2O4 में Cr की ऑक्सीकरण संख्या है, K2Cr2O4 में Cr की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? उत्तर 3। प्रश्न 14, निम्न में कौन सा युग्म यौगिक है? ये जो यहाँ पे युग्म दे रखे हैं इसमें बताना है कौन सा युग्म यौगिक है। ए शहद एवं नमक, बी दूध एवं पानी, सी शहद एवं पानी और डी पानी एवं साबुन। तो इसका उत्तर है डी पानी एवं साबुन, पानी एवं साबुन एक यौगिक है। प्रश्न 15, नाइट्रोजन का लिटमस के प्रति व्यवहार है, नाइट्रोजन का लिटमस के प्रति व्यवहार कैसा होता है? उत्तर उदासीन, नाइट्रोजन का लिटमस के प्रति व्यवहार उदासीन होता है। प्रश्न 16, क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है, क्लोरीन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? उत्तर प्रतिरोधी के रूप में, क्लोरीन का प्रयोग प्रतिरोधी के रूप में किया जाता है। प्रश्न 17, निम्न यौगिकों के जोड़ों में कौन से जोड़े में एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों प्रकार के यौगिक हैं? यहाँ पे यौगिकों को जोड़े दे रखे हैं, इसमें बताना है इसमें कौन से एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों प्रकार के यौगिक हैं। ए बेंजीन फिनॉल, बी आइसोब्यूटेन मेथेन, सी एथेन मेथेन, डी आइसोब्यूटेन क्लोरोबेंजीन। इसका सही उत्तर है डी आइसोब्यूटेन क्लोरोबेंजीन। जो आइसोब्यूटेन क्लोरोबेंजीन है ये एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों प्रकार के यौगिक हैं। प्रश्न 18, ईथर का IUPAC नाम है, ईथर का IUPAC नाम क्या होता है? ईथर का IUPAC नाम होता है मेथॉक्सी मीथेन, मेथॉक्सी मीथेन ईथर का IUPAC नाम है। प्रश्न 19, एक चार अवयव के समुच्चय के कितने उचित समुच्चय बनाए जा सकते हैं? एक चार अवयवों के समुच्चय के कितने उचित समुच्चय बनाए जा सकते हैं? इसका उत्तर है 16। प्रश्न 20, रेशेदार ऊतक जो अस्थि से अस्थि को जोड़ता है वह है, ऐसा रेशेदार ऊतक कौन सा होता है जो अस्थि से अस्थि को जोड़ता है, उसको क्या कहते हैं? उत्तर स्नायु। तो स्नायु एक रेशेदार ऊतक होता है जो अस्थि से अस्थि को जोड़ता है। दोस्तों ये विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का मेरा पार्ट 3 था। मैं अपने चैनल RG स्टूडियो में जो विभिन्न कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं जैसे कि टैट एग्जाम्स, रेलवे, बैंक, SSC आदि से संबंधित वीडियोज़ बनाता हूँ, और मैं गवर्नमेंट और प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के जो फॉर्म आते हैं जॉब्स और एडमिशन्स के लिए उनके लिए वीडियोज़ बनाता हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल RG स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। अपने अगले वीडियो में मैं आपको जो हिंदी भाषा है फर्स्ट क्लास 6 to 8 के लिए उसके लिए अति महत्वपूर्ण 20 प्रश्न बताऊंगा। तो मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।